यहाँ पे देखिए कितना गलत किया जा रहा है। बउआ सब को रुला गया देखिए जाते जाते। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी को कोलकाता रेलवे स्टेशन में। जैसा कि दोस्तों आज का जो कि हमारा सफर होने वाला है 1549 पूर्वांचल एक्सप्रेस से हम लोग सफर करने वाले हैं, जो कि 883 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 17 घंटा 20 मिनट में, जो कि कोलकाता से खुलती है 2:30 में और आपको गोरखपुर जो कि 9:15 में AM में पहुँचाती है। झंडा जो है कि ऊपर होना चाहिए देखिए, लेकिन अभी ये नीचे है, तो प्रशासन को इसको जो कि इसका व्यवस्था करना चाहिए और झंडा हमारा जो कि हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। और दोस्तों हमारी जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे खड़ी है और हम लोग जो है कि ऊपरगामी पुल के द्वारा जो प्लेटफॉर्म संख्या 1 से प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे जा रहे हैं। ओए बच्चे वैसे कि कोलकाता रेलवे स्टेशन का दूसरा नाम जो है कि चितपुर भी बोला जाता है, चितपुर जी आर कुछ करके, कोलकाता गोरखपुर मोहनाली जिसको पूर्वांचल एक्सप्रेस हम लोग बोलते हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे खड़ी है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। जल्दी से चलते हैं हम लोग जनरल कोच की तरफ और बैठते हैं और फिर आपसे बातें करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिएगा, आई होप आपको पसंद आएगा। ये सीट मिल चुका है हम लोगों को। जैसा कि दोस्तों बारिश बहुत ही तेज हो रहा है और ट्रेन को खुलने में 20 मिनट का समय और है, तो जैसा कि हमारी गाड़ी खुल चुकी है पूर्वांचल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 4 से, सबको रुला गया देखिए जाते जाते। पूरा ट्रेन जो है कि खाली है, एक सीट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है। देखिए ये सब जो घर है ये सब रेलवे के अंदर घर है, देख सकते हैं। बारिश में हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं रिकॉर्ड करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कैमरा के ऊपर कितना बार पानी आ गया। हमारे पूर्वांचल को पीछे करके आगे निकल गए। फाइनली गाइस आधा घंटा चलने के बाद हमारी ट्रेन की स्पीड जो है कि 15 से 20 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है और चलिए आगे देखते हैं कौन सा स्टेशन है। मुझे लगता है यहाँ शायद रुकने वाला है, क्योंकि यहाँ जो है कि लैंड क्लियर नहीं है, क्योंकि हरी झंडी आगे से खड़ी है, मतलब हरा लाइट आगे जला हुआ है। और अभी हम लोग आ चुके हैं जगदल रेलवे स्टेशन, और शायद यहाँ पर ट्रेन रुकेगी या नहीं भी रुक सकती है। और फाइनली गाइस जो है कि सिग्नल क्लियर हो चुका है। फाइनली गाइस जैसा कि अभी हम लोग आ चुके हैं निहाटी रेलवे स्टेशन, जहाँ पे 2 मिनट का होल्ड था और गाड़ी जो कि अब यहाँ से भी खुलने वाली है। कोलकाता से चलने के बाद डायरेक्ट ट्रेन जो है कि यहीं रुकी है। चलिए ट्रेन खुलने वाली है, बैठते हैं ट्रेन के अंदर। एकदम ठंडा ठंडा मौसम, ठंडी ठंडी बारिश है और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों।
और फाइनली गाइस हमारी ट्रेन की रफ्तार जो है कि पहले की तरह हो चुकी है। कौन कौन किताब है? बांग्ला। ये बांग्ला किताब है? हिंदी है। हिंदी है। कितने की है? 15 की। ठीक है जाओ। और यहाँ पे टिकट चेक हो रहा है। थैंक यू। अरे पता नहीं बारिश को क्या हो गया। और फाइनली अभी आ चुकी है हमारे बंडेल जंक्शन के पास गाड़ी, और लोग सब चढ़ने के लिए तैयार है पहले से ही। देखिए देखिए देखिए, ओए ओए, रुकिए 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 रुकिए, ओ भाई साहब, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीड। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। गुज्जा गुज्जा जल्दी से ऊपर ऊपर ऊपर। और जैसा कि हमारी गाड़ी जो कि बंडेल जंक्शन पे रुकी हुई है, 10 मिनट के बाद जो कि ट्रेन का लाइन क्लियर हो चुका है। चलिए बैठते हैं। देखिए क्लियर हो चुका है, चलिए बैठते हैं। मेरा टिकट चेक हो चुका है सर, देखते हैं ना। और यहाँ सब दोबारा टिकट चेक कर रहे हैं। हमको 1 रुपया का सिक्का चाहिए, दीजिएगा। सुनिए हाँ, इधर आइए, दे रहे हैं, दे रहा है ना, दीजिएगा। सिक्का नहीं दीजिएगा, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर ही आता है ये रेलवे स्टेशन। और ऊपर में देख सकते हैं बंगाली में लिखा गया है शक्तिगढ़, और हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। और जैसा कि दोस्तों ये जो गाड़ी है वर्धमान जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे रुकी हुई है। 10 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है गाड़ी का। वर्धमान जंक्शन जो है कि कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर ही आता है। बरौनी में कहाँ पे जाना है? बरौनी में कहाँ जाना है? और हमारी गाड़ी खुल चुकी है वर्धमान जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 से, जो कि अपनी करेंटली समय पे चल रही है। और यहाँ से जो कि 64 किलोमीटर के बाद है दुर्गापुर। जैसा कि दोस्तों ट्रेन के अंदर तो पूरा तरह से हम लोग घूम फिर लिए हैं, लेकिन यहाँ का वॉशरूम कैसा है वो दिखाना मस्ट है। चलिए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं इसका वॉशरूम कैसा है। ओह
चलिए, पानी इसके अंदर नहीं आ रहा है और यहाँ पे शीशा नहीं लगा हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ दरवाजा बंद है और ये बाथरूम लॉक है। यहाँ है ये बाथरूम ट्रेन के अंदर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा वाश कर रहा है, देख सकते हैं। और इसके अंदर शीशा वगैरह कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं। इसमें पानी है या नहीं, इसमें भी पानी नहीं है, तो बाथरूम के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है दोस्त। बहुत ही गंदा है यहाँ का बाथरूम। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो कि जनरल का जो वॉशरूम है, बहुत ही गंदा है। ना ट्रेन के अंदर पानी है, ना वॉशरूम का अच्छा सा व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। जनरल में सफ़र करते हैं तो जनरल जैसा ही सारा व्यवस्था है इसके अंदर। अभी जो गाड़ी है राजा बांध से क्रॉस कर रही है, राजा बांध जो कि एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। नाम क्या हुआ भैया? यही काम करते हैं? एक बॉय अर्जुन। कर रहा है फाइनली गाइस, हमारी पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है कि 2 घंटा 10 मिनट में 174 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है। और अभी हम लोग रुके हुए हैं दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के पास। 10 मिनट का होल्टा लाइन क्लियर हो चुका है। चलिए ट्रेन के अंदर बैठते हैं और चलते हैं। तो दुर्गापुर से खुल चुकी है अपने करंटली समय से। वैसे 4 मिनट डिले था, लेकिन ये अपने समय से, मतलब पूर्ण निर्धारित समय से चल रही है। वेस्ट बंगाल की लास्ट रेलवे स्टेशन आसनसोल जंक्शन पे आपका स्वागत करते हैं। इसके बाद हम लोग
झारखंड के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे कुछ खाने पीने वाला मिल रहा है, यहाँ पे टॉयलेट है देख सकते हैं। जैसा कि लाइन क्लियर हो चुका है तो चलिए, और फाइनली हमारी पूर्वांचल एक्सप्रेस खुल चुकी है प्लेटफॉर्म संख्या 4 से। जैसा कि हमारी पूर्वांचल एक्सप्रेस जो कि 11:21 हो रही है और अभी आ चुके हैं बरौनी, 3 किलोमीटर का और डिस्टेंस कवर करना है और हमें जाना है मोहती नगर रेलवे स्टेशन। और जैसा कि अभी लाइन क्लियर नहीं हुआ है, लाइन क्लियर होने में 10 मिनट का है समय। जैसा कि हमारी गाड़ी खुल चुकी है बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 8 से। और अब आ चुके अपने रेलवे स्टेशन मोहती नगर के पास। तो जैसा कि समय हो रहा है 12:15 और इस रेल का जो समय था 12:08 भी हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन स्थान पे, जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं। और ये पुराना स्टेशन, चलिए इसी से हम लोग बाहर निकलते हैं। दोस्तों आज का जो कि सफर था यहीं तक था, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।